नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी, हम उसमें एक नया सीरीज शुरू कर चुके हैं जो कि क्लिनिकल मेट्रेमेडिका है। और जो नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, उसमें हमारा डिजीज का सीरीज चालू है। अल्फाबेटिकल लेटर बी में हम चल रहे हैं और आज का जो इम्पोर्टेंट डिजीज है वो है ब्राइट डिजीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है उनके लिए जिनका किडनी का प्रॉब्लम रहता है। किडनी फेल्यूर केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जिस तरह से लोगों के इम्यूनिटी को डाउन करने के लिए दवाइयाँ यूज होती हैं, स्टीरॉयड्स यूज होते हैं, उससे कॉमनली उनका इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है। तो उसको कैसे हम टैकल करें, कैसे होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कंट्रोल करें, उसके बारे में कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ब्राइट डिजीज क्या है। ब्राइट डिजीज नेफ्राइटिस को बोलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है ब्राइट डिजीज नेफ्राइटिस। उसका जो मेन कॉजेशन है बहुत सारा ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज उसका मेन कारण मनाया जाता है, क्योंकि आपका इम्यूनिटी जब डिक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे अपने खुद के ऑर्गन को वो डैमेज करने लगता है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनीज, नेफ्राइटिस का मतलब है जो उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं नेफ्रॉन्स, या फिर जो ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस भी बोलते हैं उसको, ग्लोमेरुलस, उसका वो इन्फ्लेमेशन करता है, सूजन भर देता है, उसमें अल्टीमेटली किडनी में प्रॉब्लम होता है और कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स बॉडी में दिखाई देते हैं, जैसे कि पूरे बॉडी में सूजन होना, सूज जाता है मुंह, सूज जाता है बॉडी, हाथ और पांव सूज जाता है। तो ये स्वेलिंग दिखाई देता है और इडिमा भी बोलते हैं, ड्रॉप्स भी बोलते हैं उसको। तो ये सूजन स्वेलिंग पूरे बॉडी में दिखाई देता है और यूरिन में अल्बुमिन आता है। अल्बुमिन एक प्रोटीन है जो कि एक बड़ा सा प्रोटीन है, लेकिन जो छन्नी है ग्लोमेरुलस वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता, डैमेज होने लगता है। तो वो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल अल्बुमिन का वो निकल आता है यूरिन के थ्रू, जो नहीं आना चाहिए, कॉमनली नॉर्मली नहीं आता। तो वो जब निकल जाता है तो दैट इज कॉल्ड अल्बुमिनुरिया और वो एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन होता है। शरीर का जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है जो तन को लगना चाहिए और नहीं लगता, वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है, तो बहुत ही खतरनाक बीमारी पैदा करता है, उसके अल्टीमेटली किडनी फेल्यूर का भी कंडीशन हो जाता है। तो इससे बचना है तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया होम्योपैथी के दवाइयाँ हैं। जब आप एलोपैथिक सिस्टम में जाएंगे तो उनका कोई खास इसके लिए दवा नहीं है। अल्टीमेटली वो लोग एक्सपेरिमेंट करते करते पेशेंट दम तोड़ देता है, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद भी वो जा सकता है दुनिया से। लेकिन अगर आप होम्योपैथी का इस्तेमाल करें धीरे धीरे करके वो इसको रिकवर कर सकता है। अगर इमरजेंसी कोई काजिस आपको पड़ा, इमरजेंसी कोई तकलीफ हुआ तो आप एलोपैथी का इस्तेमाल करिए, नो प्रॉब्लम, कोई एतराज नहीं है हमको, लेकिन उसके साथ आप होम्योपैथी का जरूर इस्तेमाल करें। होम्योपैथी आपके इम्यूनिटी को कमजोर होने से बचाता है, आपको इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है और आपको जो सिस्टम एलोपैथिक ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट से भी बचाता है। तो इन तमाम चीजों को एक होलसेल वे में देखा जाए तो हर तरीके से होम्योपैथिक आपके लिए बेस्ट है। और जो जो दवाइयां उसके लिए सजेस्ट हो वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं ब्राइट डिजीज इसीलिए बोलते हैं कि 1827 में डॉक्टर ब्राइट ने ये जो सिम्टम्स है उसके, सूजन हो जाना और अल्बुमिन आना यूरिन में, उसके साथ ब्लड प्रेशर भी रहता है, हार्ट का प्रॉब्लम भी रहता है, तो ये जो तमाम सिम्टम्स है उसको उन्होंने निकाला था, उसको डिस्कवर किया था, इसीलिए उनके नाम पर, डॉक्टर ब्राइट के नाम पर ये 1827 में जो उन्होंने ये तमाम चीजें लोग दुनिया के सामने जाहिर किया था, तो उनके नाम से ये ब्राइट डिजीज एक ओल्ड नेम है नेफ्राइटिस का, उसके नाम से पड़ा है। फिर उसका कॉजेटिव फैक्टर हमने बताया ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, कुछ टॉक्सिन्स है, जैसे कि मैंने कहा कुछ चाहे पॉइजनस हो या फिर एलोपैथिक दवाओं का गलत इस्तेमाल हो तो उसके कारण भी हो सकता है। रॉन्ग फूड हैबिट्स, अगर आप खाना प्रॉपर तरीके से नहीं खाते, कुछ टॉक्सिक मटेरियल ज्यादा खाते हैं, केमिकल से भरा हुआ चीजें ज्यादा खाते हैं, जैसे कि पॉलीथिन में, प्लास्टिक में अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो उसमें भी आपका किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन, तरह तरह के इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, तो बॉडी वो प्रॉपर तरीके से उसको रजिस्ट नहीं कर पाता, वो अल्टीमेटली किडनी के थ्रू उसको निकाल के फेंकने की कोशिश करता है और उसके कारण भी आपको नेफ्राइटिस हो सकता है या फिर ब्राइट डिजीज हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट होम्योपैथी के मेडिसिन के बारे में हम जानेंगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया दवाइयां हैं, इसको प्रॉपर डोज में बताऊंगा वीडियो के अंत में, अंत तक जरूर देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो दवाई है वो है एपिसमेलिपिका। जी हाँ दोस्तों, कॉमनली यूज होता है स्वेलिंग के लिए, जो सिम्टोमेटिकली हम होम्योपैथी में देते हैं, आमतौर पर अल्बुमिनुरिया हुआ या फिर स्वेलिंग हुआ किसी भी जगह पर,
एपिस्मेल एपोसियनम, ये दोनों बेस्ट दवाई है, आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्सेनिकम मालवम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है जिसमें सर से लेकर पांव तक बहुत सारी चीजों को कवर अप करती है। कैंथेरिस है, यूरिन में जलन होना चाहिए, उसमें जो भी प्रॉब्लम है इन्फ्लेमेशन का बहुत ही भरा हुआ है। कालीक्लोर, मैरकोर, प्लम्बम मेटालिकम, फॉस्फोरस, टेरबिंथिना, लाइकोपोडियम, नाइट्रिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, ये आप लिख लेना इन दवाइयों को। अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो ये जो दवाइयां हैं, ये 12 दवाइयां आपको बहुत ही मदद करेगी। एक प्रॉपर दवाई की सिलेक्शन करना, आप जो भी पेशेंट आए इनके साथ उस पेशेंट के सिम्टम्स को मैच करना, जिसमें ज्यादा सिम्टम्स मैच हो वो दवाई उसको प्रेस्क्राइब करना है आपको। डोज में यहां पर आपको बता देता हूं, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल चेंजेस हो चुका है, हमेशा 30 पोटेंसी से आपको स्टार्ट करना है। 30 पोटेंसी इज आइडियल पोटेंसी फॉर क्रॉनिक डिजीज, और जहां पर स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है तो आप 30 से शुरुआत कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार दीजिए। जो जो डीप एक्टिंग मेडिसिन है, जैसे कि फॉस्फोरस है, लाइकोपोडियम है, नाइट्रिक एसिड है, इनको आप दिन में एक एक बार भी दे सकते हैं। और बाकी के जितने भी एक्यूट दवाई है, एपिस है, एपोसियनम, आर्सेनिकम, कैंथेरिस वगैरह वगैरह, इनको आप दिन में 2 से 3 बार 4 बार तक रिपीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और धीरे धीरे इनको 30 कुछ दिन 10-15 दिन देने के बाद फिर आप देखना कंडीशन में इंप्रूवमेंट हो रहा है तो आप 200 को भी दे सकते हैं दिन में 2 बार, 2 से 3 दिन, उससे ज्यादा मत देना। फिर 10-15 दिन 20 दिन वेट करिए, फिर आप उसका 1 ml में आप दे सकते हैं, सिंगल डोज देना है। जो एक्यूट दवाई है उसको 2 डोज भी आप दे सकते हैं, 2 डोज मतलब 2 बार आपको देना है, 1 से 2 बूंद करके डायरेक्टली जीभ पे दे सकते हैं। ये जितने भी पोटेंसी में कुछ दवाइयां मदर टिंचर में भी यूज होता है, जैसे कि एपोसियनम का मदर टिंचर होता है, काली क्लोर भी यूज होता है कभी कभी, फिर उसका लोअर पोटेंसी 6x 3x भी आता है। फिर आप इन दवाइयों में से कैंथेरिस भी एक मदर टिंचर है, जो कि आप 20 बूंद दिन में 2 से 3 बार यूज करिए एक्यूट कंडीशन में, जल्दी उस इन्फ्लेमेशन को ये चेक करता है, जो बॉडी का स्वेलिंग है, एल्बुमिनुरिया है, उसको तुरंत कंट्रोल करता है। तो ये बेस्ट दवाइयां हैं, जो 12 दवाइयां, इनको आप सिलेक्शन करना, एट अ टाइम 12 दवाइयों को नहीं देना। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सिम्टम का जो सिमिलरिटी होना चाहिए, एक पेशेंट का जो सिम्टम है और दवाइयों का सिम्टम है, कुछ स्पेसिफिक पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो मैं बोलता हूं, दोनों में सिमिलरिटी होना चाहिए, मैक्सिमम सिम्टम उसका मैच करना चाहिए, तो आप उसको प्रेस्क्राइब करें। 1-2 दवाई मैक्सिमम दे सकते हैं एट ए टाइम, सारी दवाइयां नहीं देना, 1 से 2 दवाई दे सकते हैं, और उसको कुछ दिन कंटिन्यू करिए, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे जो एलोपैथी की दवाइयां यूज करें उसको भी छोड़ने की कोशिश करें, उसका भी धीरे धीरे करके रिड्यूस करिए, एट अ टाइम बंद मत करिए, धीरे धीरे रिड्यूस करिए, देखिए आपका किडनी बेहतर होता जाए। उसके अलावा कुछ खाना है, कुछ फूड्स है, आपको गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा कि नेफ्रेटिस के लिए कौन कौन सा खाना बेस्ट है, वो आप जरूर खाइए। तो मिलाकर होम्योपैथी का ट्रीटमेंट है, फिर आपका गुड है, फूड हैबिट्स है, और दिमागी तौर से स्वस्थ रहिए, तो आपको किडनी के प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी का अगर इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ निराशा ही आपकी हाथ लगेगी, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। तो ये था आज का वीडियो, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा, प्रॉपर तरीके से आपको नॉलेज मिला होगा, और होम्योपैथी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस मैं आने वाले दिनों में आपके सामने जरूर पेश करूंगा। और बिजी रहने के कारण मैं प्रॉपर तरीके से वीडियोस आपके सामने पेश नहीं कर पा रहा हूं, बहुत बहुत माफी चाहता हूं मैं आपसे, लेकिन कोशिश करूंगा जब भी मैं फ्री हो जाऊं एक बढ़िया सा वीडियो आपके सामने पेश करूं। तो देखना मत भूलिए मेरे दोनों चैनल्स को, जो पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी और जो नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, दोनों में आपको बहुत ही बढ़िया होम्योपैथी का नॉलेज मिलेगा। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर इसको करिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले, और बेल आइकन अगर आपने दबाया नहीं तो जरूर दबाना, ताकि नोटिफिकेशन जरूर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।